ऑब्जेक्ट विथ स्केच पेन हम लोग करने जा रहे हैं स्टूडेंट आज। देखिए कभी भी हम लोग स्केच पेन से ऑब्जेक्ट ड्राइंग को कलर नहीं करते हैं, है ना। लेकिन एलिमेंट्री में बताया जाता है कि कोई भी कलरिंग का मीडिया आप एग्जाम के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। कंपलसरी नहीं है कि ये आपको एग्जाम के लिए यूज करना है, सिर्फ करके देखेंगे हम लोग, एक कुछ नया टेक्निक सीखेंगे जिसको आपको जरूर करके देखना है, एक्सपीरियंस लेना है, इसमें से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग आपको कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक नेचर और दो ऑब्जेक्ट्स अरेंज कर लिए हैं। अब स्केच पेन से कलरिंग करना, मतलब आपको पता है कि हम लोग प्लेन ही करते आ रहे हैं। बचपन में अगर आपने किया होगा तो प्लेन स्केच पेन से कलरिंग किया होगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा अलग टेक्निक से करने वाले हैं। तो वो टेक्निक के लिए आपको दो रफ पेपर चाहिए और ऑब्जेक्ट के कलरिंग के लिए हम लोग उसको इस तरह से यूज करेंगे। आपको ड्रॉइंग के साथ उसको रखना है ताकि आपके स्केच पेन के स्ट्रोक ड्राइंग के बाहर नहीं जाएंगे। ब्रश से कलर करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रोक जहाँ पे हम लोग शेडिंग जैसे यूज़ कर रहे हैं तो पेंसिल का लाइन तो रफ हो जाता है, लेकिन स्केच पेन का लाइन में आपको वो कोई भी चांस नहीं है रफ करने के लिए। तो इसलिए हमने इस तरह से पेपर साइड से रख के देखिए कैसा फिनिशिंग आ जाता है। इस तरह से आपको काम करते जाना है और बाद में हम लोग उसको फिनिशिंग भी दे सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट को, एक एक पार्ट को हम लोग कलर करते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बॉटल को थोड़ा उल्टा कर लिया है क्योंकि हाईलाइट और मीडियम टोन
जो हमें करना है इस तरह से। देखिए कैसे फिनिशिंग में आया। अब हम लोगों ने हाईलाइट का पोर्शन छोड़ दिया है, अब शेड वाला पोर्शन वैसे ही फिलअप कर रहे हैं। आपको, मुझे पता है कि आपको भी ये थोड़ा हार्ड जा सकता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये करने में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करोगे, तो इस तरह से आप ज़रूर करके देखिए। देखिए इस तरह से हमें हाईलाइट को छोड़ देना है। अब शेड साइड हमें फिल अप करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर का एज एकदम शार्प होना चाहिए। शार्प कटिंग वाला पेपर आप ले सकते हैं, क्योंकि अगर पेपर आपका शार्प नहीं होगा तो एज भी कलरिंग के बाद आपका प्रॉपर नहीं छूटेगा। इस तरह से हम लोग शेड का काम, थोड़ा सा डार्कनेस भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लाइन में, क्रॉस लाइन शेडिंग में ही हम लोग इसको कर सकते हैं। हाईलाइट ज़्यादा लग रहा था तो उसको मैंने एक ज़्यादा गैप करते हुए लाइंस, स्लिपिंग लाइन डाल के हाईलाइट को थोड़ा सा कम किया है, तो ये भी टेक्निक आपको समझ लेनी है। अभी कैप्सिकम में जो लाइट एंड शेड्स आते हैं उसका मैंने मार्किंग कर लिया है, आपको दिख रहा होगा लाइटली। तो हाईलाइट छोड़ दिया, अब एक लाइट टोन फिलअप किया मैंने सभी पार्ट में। अब हमें मीडियम टोन कर लेना है, उसमें मैंने लाइट ग्रीन ही फिल अप किया। अब डार्क ग्रीन से हम लोग मीडियम टोन को थोड़ा डार्क कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने एंगल थोड़ा सा क्रॉस पकड़ा है ताकि उसमें क्रॉस शेडिंग दिखे। ये शेडिंग का पैटर्न हमने पहले भी एक बार सीखा था, शेडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग मैंने आपको बताया था, उसमें ये क्रॉस शेडिंग कैसे एंगल पकड़ना है आपको वो मैंने सिखाया था। देखिए सिर्फ लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन से काफ़ी सारा जो कैप्सिकम का पार्ट है कवर हो चुका है। कैप्सिकम स्केच पेन के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है।
आपको और थोड़ा सा डार्क की ज़रूरत है तो आप शेड साइड में थोड़ा सा ब्लू यूज़ कर सकते हैं एकदम डिटेलिंग के लिए और पार्ट के सेपरेशन के लिए। तो अभी बुक को करते वक्त भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे कि हमने पेपर दोनों साइड पे रख लेना है क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, एज एकदम शार्प है, तो आप उसमें पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पेपर को रखना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मेरा शूटिंग थोड़ा सा कट हो गया था तो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि बुक को मैंने कैसे किया है। तो इस तरह से बुक का टॉप मैंने ड्रॉ किया और वहाँ पे कैसे पेपर को रजिस्टर करके क्रॉस शेडिंग किया मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। हाथ का एंगल चेंज करके लाइंस डालने हैं तो वो क्रॉस शेडिंग दिखेगा। एंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो आप यहाँ पे भी पेपर, दूसरे साइड पे भी पेपर रजिस्टर करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा फिनिशिंग, थोड़ा टचअप करना पड़ेगा तो वो उतना कर सकते हैं। बुक का थिकनेस जो है वहाँ पे लाइट साइड में मैं येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। और शेड साइड में मैंने डीप येलो यूज़ किया है। और फिर बाद में बुक के डिटेल्स।
तो कैसे लगा स्टूडेंट? आप, मुझे पता है कि आपको ये टेक्निक पसंद आया होगा, तो ज़रूर करके देखिए और ड्राइंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर।